तो गाइस इसका जवाब साहब, और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो पीसी से और या फिर लैपटॉप से। तो क्योंकि मेरे को पता है कि आजकल की जो लोग हैं उनको यूट्यूब पे आ रहे सब लोग, उनको स्ट्रीमिंग करना है, लोगों से बात करनी है, तो उसके लिए मैं एक इजी ट्यूटोरियल लेके आया हूँ आज। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OBS स्टूडियो जो रहता है उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो ये OBS स्टूडियो है, ये इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। ये OBS स्टूडियो है, इस पर आप क्लिक करोगे विंडोज़ पे और ये आपको ये सब दिखेगा, डाउनलोड इंस्टॉलर, डाउनलोड इंस्टॉलर 32 बिट। तो इसमें से आपको डाउनलोड इंस्टॉलर पर क्लिक करना है, ठीक है। और इधर पर नीचे आपका डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ये, मैं डाउनलोड तो कर चुका हूँ पहले ही, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, ठीक है। या फिर रुको मैं आपको बता देता हूँ, ये रुको मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल होने के बाद आपका जो तो ये है, जैसे कैसा दिखता है हम लोग का OBS स्टूडियो, OBS स्टूडियो ऐसा दिखता है हम लोग का, दिस इज़ हाउ OBS स्टूडियो लिक्स। तो इसमें सीन रहते हैं बहुत सारे, एक मिनट में कुछ करता हूँ, कुछ दिख रहा नहीं रहेगा ना पूरा। तो ये है हमारा OBS स्टूडियो, तो इसमें आपको सीन्स दिखेंगे, ये सब आपको मैं कैसे ऐड करना है सीन, कैसे अपने इमेजेस ऐड करने हैं, वो सब आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। पहले मैं आपको बस बताता हूँ स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी ये है हम लोग का OBS स्टूडियो, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ये हमारा YouTube चैनल खुल रहा है। YouTube पे जाके सबसे पहले हम लोग को ये क्रिएट जो बटन दिख रहा है, क्रिएट, इस पे जाना है, अदर गो लाइव पे क्लिक करना है, ओके। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद आपका एक स्टूडियो खोलेगा, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो, जिससे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ठीक है, जो हर एक यूट्यूबर करता है। तो अभी ये खुल गया मेरा, तो अभी मेरा जो अभी ये देखो, इधर पर आपको डिफॉल्ट स्ट्रीम की ये सब दिखता है, उसका उसका कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। एक मिनट आपको पूरा बताता हूँ मैं कैसे दिखता है ये। तो ऐसा दिखता है हम लोग का YouTube स्टूडियो। तो इसमें हम लोग को ये जो एडिट है ना, एडिट पे क्लिक करना है, और हम लोग का टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैं टाइटल लिखता हूँ, जस्ट टेस्टिंग कर देता हूँ, टेस्टिंग स्क्रीन, ओके। और ये सब जो भी आप डिस्क्रिप्शन में डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, मेरा मेन तो मैं रिएक्ट करता हूँ सिर्फ। तो आप इधर पर अपने लिंक्स डाल सकते हो, आपको व्यूअर्स को कुछ बोलना है वो डाल सकते हो, ठीक है। व्यूअर्स को कुछ बोलना है वो भी डाल सकते हो। फिर आप इधर पर अपनी डिवाइस जो कैपेबिलिटी है वो सब डाल सकते हो, जो डिवाइस आप यूज़ करते हो, किससे स्ट्रीम करते हो, किससे गेम प्ले दिखाते हो, कौन सा गेम खेल रहे हो, वो भी लिख सकते हो। तो अभी देखो ये इधर टेस्टिंग स्ट्रीम है, ओके। तो टेस्टिंग स्ट्रीम है, उसके लिए हम लोग को ये पब्लिक नहीं रखना है। अगर टेस्ट कर रहे हैं हम लोग तो हमेशा पब्लिक होकर इधर लोग आएंगे, ठीक है। तो उसे प्राइवेट कर दो ताकि कोई देखे नहीं। अगर प्राइवेट स्ट्रीम अगर भी आपको चाहिए कि कोई देखे, तो इधर पर शेयर प्राइवेटली करके आपको इधर पर ये करके इधर पर आपको कोई भी जीमेल लिखना है अपने दोस्त का और उनको सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट हम लोग का।
अभी जो कैटेगरी है वो गेमिंग के हिसाब से मेरा है, तो फिर उसका मैं कर रहा हूँ गेमिंग। पर अभी टेस्ट कर रहे तो उसका आपको कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये सब होने के बाद आपको बस सेव करना है, याद से सेव कर लेना, ठीक है। ये होने के बाद ये जो आपको स्ट्रीम की दिख रहा है, ये इधर पर इसको कॉपी करना है, ओके। ये देखो इधर इधर पर ये कॉपी हो चुका है। अपने स्ट्रीम OBS स्टूडियो में जाओ, सेटिंग्स पे क्लिक करना, सेटिंग्स में जाकर स्ट्रीम पे जाना। ये जो आपको स्ट्रीम के दिखेगी ना उसको कैंसिल कर देना, डिलीट कर देना। और जो आपने वो YouTube से जो आपने स्ट्रीम के लिए उसको पेस्ट कर देना, और फिर इधर आपको अप्लाई दिख रहा रहेगा, अप्लाई करके ओके कर देना। इसके बाद हम लोग को इधर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करना है, ओके। स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करोगे तो ये देखो, ये ड्रॉप फ्रेम स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है, ओके। ये देखो इधर पर बताएगा आपको, इधर से आपको स्ट्रीम हेल्थ पता चलेगी। अभी नो डेटा है क्योंकि मैं कुछ प्ले नहीं कर रहा हूँ, अभी डेटा आया है, ओके। ये आ गया मेरा जो मैं अभी खोल के रखा हूँ, ये आ गया हम लोग का OBS स्टूडियो में। और अगर आप ये म्यूट का जो ऑप्शन है अगर आप फुल कर दोगे तो आपका जो स्ट्रीम है ना उसमें भी आवाज़ आएगा जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मत करना, इसको म्यूट पे रखना। अगर आपको देखना है कि आपका स्ट्रीम चल रहा है कि नहीं, यूट्यूब पे जाओ। अभी अभी प्राइवेट इसलिए नहीं दिखेगा आपको, मैं आपको कैसे बताऊँ। अच्छा रुको रुको, इधर से मैं यूट्यूब, अगर आपको देखना है प्राइवेट में होके भी तो आप इधर जाओ, यूट्यूब स्टूडियो में जाना। यूट्यूब स्टूडियो में जाके आपको एक वो वीडियोस कॉन्टेक्ट पर, तो कॉन्टेंट रहता है उधर पर, लाइव और अपलोड्स कर वीडियोस करके अलग अलग सेक्शन रहता है। उसके साथ यूट्यूब स्टूडियो पर जाओ, अभी मेरा यूट्यूब स्टूडियो खुल गया है। अरे सब्सक्राइब कोई करता नहीं इसलिए इतना सब्सक्राइबर है, तो कर देना आपको अच्छा लगा वीडियो तो। अभी मैं अपने कंटेंट पे जाता हूँ, कंटेंट में जाके आपको इधर लाइव दिखेगा, ये अपलोड्स है और ये लाइव, लाइव पे क्लिक करना, लाइव पे। और इधर पर आके ये जो पेन डिटेल्स दिखा रहेगा ना उस पर क्लिक कर देना। ये होने के बाद ये आपका, आप इधर 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 से भी आप चेंज कर सकते हो टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और इधर से भी आप एडिट करके चेंज कर सकते हो, दोनों साइड से सेम ही होता है। अभी ये थंबनेल एडिट करने का, जो भी डालने का आपको, इधर से हम लोग का प्राइवेट स्ट्रीम है, ओके। तो इधर पर आपको अगर खुद का स्ट्रीम देखना है कि कैसे जा रहा है प्राइवेट होके भी, तो ये जो आपको लिंक दिख रहा रहेगा वीडियो लिंक करके, इधर इस पर क्लिक कर देना, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद नया टैब खुल जाएगा, उसके उस पे आपका जो वीडियो रहेगा वो आ जाएगा। ये देखो टेस्टिंग स्ट्रीम, ओके। तो ये हमारा टेस्टिंग स्ट्रीम है, प्राइवेट बता रहा है, वन वॉचिंग क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, ओके। ये देखो ये ऐसी स्ट्रीम चल रही है, इसको अगर मैं स्विच करूँ तो ये देखो इधर इधर पर भी सेम बताते हैं, इधर पर जो है इधर पर भी सेम बताएगा आपको। ये थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू है, ये बताना, ये सब सही है, ठीक है। तो ये होने के बाद अगर आपका स्ट्रीमिंग और वॉइस चेक करना है तो उसके लिए आप ये म्यूट है, इसको म्यूट पर रखना। इसको आप फुल करोगे तो वो एको नहीं होगी आवाज़, ओके। जो स्ट्रीम में एको होती है ना वो इधर से होती है, ये अगर आप म्यूट म्यूट नहीं करोगे ना तो एको हो गया आवाज़। ये आप म्यूट करो या ना करो तो भी चलेगा, अगर आपको आवाज़ सुननी है तो म्यूट मत करो। तो फिर ये स्ट्रीम में एको नहीं होती आवाज़, ओके। तो ये भी उधर पर मैं जो खोल रहा हूँ उधर खुल रहा है, तो मेरा स्ट्रीम अच्छे से चल रहा है, तो इसे हम लोग बंद करते हैं। और अगर आपको एंड स्ट्रीम करना, मतलब स्ट्रीम को बंद करना है, तो इधर आपको राइट टॉप में एंड स्ट्रीम दिख रहा है, उसको क्लिक करो और इधर एंड पे क्लिक करो। पर अभी भी एंड स्ट्रीम एंड नहीं हुई आपकी, इधर पर बता रहा है स्ट्रीम एंड नहीं हुई है। आपको OBS स्टूडियो में आना है, इधर से भी ये जो आपका दिख रहा रहेगा जहाँ से आपने स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक किया उधर पर ही आपको स्टॉप स्ट्रीमिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी ये आपका स्ट्रीम भी स्टॉप हो गया।
तो भाई और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वीडियो अगर आपको बहुत हेल्पफुल हुआ तो एक लाइक करना मत भूलना। और अगर आपका जो दोस्त है नया है यूट्यूब पे, अगर उसको भी स्ट्रीमिंग करना है तो उसको आप ये वीडियो सेंड कर देना। और ये जो चैनल है उस पर मैं ट्यूटोरियल डालते रहूँगा, और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर पूछ लेना। मैं अगर मेरे को आता रहेगा तो मैं एक और आपको रिप्लाई करके एक वीडियो बना दूंगा, और फिर आप वो वीडियो से आपका जो डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व हो जाएगा आपका डाउट। और आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सो थैंक यू सो मच वीडियो पे क्लिक करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।